खबर इस वक्त दंतेवाड़ा से आ रही है, जहां एक ही दिन में नक्सलियों ने दो वारदातों को अंजाम दिया। निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर को भी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया है। भांसी में चल रहा था पंचायत का निर्माण कार्य, जहां ये घटना हुई। फूलपाड़ के डुमाम पारा में नक्सलियों ने युवक की हत्या की, धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की है। कुआकोंडा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। और खबर पर जानकारी देंगे लोकेश, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। लोकेश, एक साथ दो दो घटनाओं को अंजाम दे दिया नक्सलियों ने, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या नुकसान हुआ, किसकी मौत हुई? हाँ, जैसा कि बता दूं कि आज माओवादियों ने एक ही दिन में दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। सबसे पहली घटना नक्सलियों ने कुआकोंडा थाना क्षेत्र के फुलफाड़ में एक ग्रामीण की हत्या नक्सलियों ने कर दी, जहां धारदार हथियार से नक्सलियों ने उस ग्रामीण की हत्या कर दी। वही दूसरी बड़ी घटना को नक्सलियों ने भांसी थाना क्षेत्र के मोसलपारा में दूसरी घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर माओवादियों ने दो ट्रैक्टर, दो मिक्सर मशीन को आग देने की है, और साथ ही वहां पर एक पंच की भी नक्सलियों ने हत्या कर दी है। पंच की नक्सलियों ने पत्थर से उसका सर कुचला और धारदार हथियार से उसकी गला रेत कर भी हत्या कर दी है। और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल छाया हुआ है। जी पारुल, शुक्रिया जानकारी के लिए।